सभी भाइयों को नमस्कार सभी का स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे मैं आपका अपना मंजीत यादव आज फिर से किसान साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ प्रयास बारंबार आप पशुपालकों को अच्छे से अच्छा पशुधन दिखाएं उसी प्रयास में आज की वीडियो लेके आ रहे हैं अपने ही फार्म से जो भी किसान साथी पहली बार वीडियो को स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचता रहे जो भाई फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं वो पेज को भी लाइक करें ताकि वहाँ भी रेगुलर वीडियोज हैं वो मिलती रहें तो आज आपको अपने फार्म से मिल्किंग दिखा रहे हैं जी दूसरे ब्यात की जो की अभी जो है चुवाई स्टार्ट कर दी गई खाली बाल्टी दिखा दी गई है जितने भी किसान साथी नए जुड़े हैं मैं फिर से एड्रेस जरूर बताना चाहूँगा क्योंकि हर वीडियो में हम एड्रेस हर बार बताने का प्रयास करते हैं ताकि जो भी पशुपालक भाई वीडियो देख रहे हैं काफ़ी नए जुड़ते रहते हैं और उन तक जो है नोटिफिकेशन पहुंचता है तो एड्रेस वगैरह की या कोई भी समस्या ना आए तो आज की वीडियो लेके आ रहे हैं यादव डेरी फार्म से गांव है अपना खेड़ा थ्रू डिस्ट्रिक्ट लगता है जज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं और अपना फार्म रेवाड़ी नारनोड़ रोहतक और भिवाणी से लगभग पचास से पचपन किलोमीटर की दूरी पर है और आज कैमरे के सामने जो जो देख पा रहे हैं स्पेशली उन भाइयों के लिए है जो काफ़ी टाइम से फ़ोन कर रहे थे कि हमें दूध के पर्पज़ से जो पशुधन चाहिए ना कि जो है ज़्यादा कॉस्टली पशु चाहिए क्योंकि इस टाइम में आगे गर्मी का जो सीजन है और जो दूध बेचने वाले किसान साथी हैं उनका स्पेशल डिमांड थी फिर भी हमारा प्रयास है कि अच्छा पशुधन जो आपको दिखाएं उसी प्रयास में दूसरे ब्याँत की जोटी साथ में फ़ीमेल काफ आज लगभग बारह तेरह दिन की ब्याई हुई और मौके पर काफ़ी अच्छा खासा जो दूध इस पशुधन में तैयार है कोई भी किसान साथी सबसे पहले वीडियो देख रहे हैं एक चीज़ पे फोकस ज़रूर करें काफ़ी सारी वीडियो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और काफ़ी सारे जो पशुधन रखने वाले पशुपालक हैं वो बार बार अपना पशु दिखा रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी समस्या या तो पशुधन बच्चा दिए होता है या दो दिन की ब्याई तीन दिन की ब्याई दूध जो है बीस देगी बाईस देगी लेकिन मैं एक चीज़ हमने अपने जो फार्म पे व्यापार है उसको कम करके एक अलग तरीके से पेश करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें किसान साथी पसंद भी कर रहे हैं जी लगभग दो किलो से ऊपर अगाड़ी होगी दो किलो से कम आगे के थड़ों का दूध नहीं है और जो है ए, मैं बता रहा था पशुपालक भाई हैं बीस किलो बाईस किलो देगी पे ना जाके आप प्रयास करें जो बाल्टी में निकाल रहा है वो चाहे आपको पंद्रह किलो दूध निकाल के दे कम से कम संतुष्टि तो है हमारा पशु इतना दूध निकाल रहा है तो सामने आप जोटी देख पा रहे हैं साइड में जो नन्ही सी फीमेल काफ है एच के सीमन की है और जोटी दूसरे ब्यात में है पहले ब्यात में पंद्रह किलो दूध इसने निकाल रखा है और दूसरी बार ब्याई हुई है फुल हाइट और फुल लेंथ की जोटी और जो है बिल्कुल चौड़े पीठ पुठे की और चुआई की बात करें तो शायद सैकड़ों भैंसों में खड़ी करें दुनिया में बोलते हैं लोग सौ परसेंट हमारी भैंस चुवाई की साफ है तो मैं आज 110 परसेंट इस भैंस को नीचे से पास बता रहा हूँ इतनी सॉफ्ट ज्वाई है कि देखते ही देखते मात्र दो तीन मिनट में जो है खाली हो जाती है भैंस लेकिन काफी टाइम से ब्यूटी वाले पशुओं पे लगे हुए थे सींग ना हम कहेंगे सींग जो है इसका अगले ब्यात तक राउंड होगा सींग जो है हाफ जो कन्नीदार और जो है बाकी कोई भी पशुधन में किसी भी तरह का माइनस पॉइंट नहीं वो चाहे सफ़ेद बाल और टैल भी नीचे से मुर्रा पास है लगभग तीन इंच वाइट है लास्ट चार इंच बाकी बाल की लंबाई है साफ़ सुथरी चुआई बहुत ही अच्छी मिल्क लाइन की है जोटी आज मौके पे हम अपने हिसाब से जो है अट्ठारह दूध मान रहे हैं लेकिन आपको दिखाएंगे दूध जो भी होगा आप भाइयों के सामने कुछ ही देर में निकाल के दिखा दिया जाएगा और बिल्कुल शांत स्वभाव की है चाहे कोई भी दो बैठे एक बैठे बंदा इससे पशुधन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और जो है दो एक या दो दिन में प्रयास है कि 19-20 पे चली जाएगी अभी 18 लीटर दूध कोई भी किसान साथी दो टाइम आके अपनी संतुष्टि कर सकता है और प्रयास यही रहता है कि दूध जो है जब भी अपने फार्म से वीडियो लेके आए पंद्रह प्लस की भैंस जरूर दिखाएं क्योंकि जो किसान साथी जेब से पैसे खर्च के जा रहा है उसको ये पता नहीं कि आगे खाली होने के बाद ये पशुधन कितना दूध निकालेगा और वो जो है पेमेंट इन्वेस्ट करके पशु लेके जा रहे हैं ये देखिए बाल्टी बिल्कुल फुल है और दूसरी बाल्टी में जो दूध निकालेंगे वो बाल्टी भी आपको खाली दिखा दी जाएगी इसमें पिछली दूसरी भैंस का दूध निकाला हुआ थोड़ा बहुत था तो नीचे दूध जो है दूध को लगभग प्रयास रहता है कि नीचे किसी भी तरह ज़मीन पे ना बिखरने दें सामने से जब बात करें पशुधन के पीछे खड़े होते हैं जब सामने जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाइट और लेंथ इस भैंस में है जो भी किसान साथी खरीदना चाहता है वैसे मैं अपना संपर्क सूत्र भी वीडियो में दे रहा हूँ लेकिन चुवाई के नीचे की मैं कहूँगा एक है जिस भाई को कभी दूध निकालना नहीं आता एक ऐसा पशुधन है कि चाव जो हो जाता है दूध निकालने का कि मैं निकालूंगा क्योंकि इतनी सॉफ्ट च्वाई है दूध अभी आपके सामने माप के दिखा दिया जाएगा मात्र आज बारह तेरह दिन की दूध जो है तनों में आप देख पा रहे चलते दूध में भैंस को छोड़ा है कटड़ी को लगभग आधा पौना किलो दूध छोड़ दिया है क्योंकि साथ में कटड़ी है और जहाँ से परचेज किया वहाँ पे कटड़ी को कम दूध पिलाया हुआ है और अभी प्रयास कर रहे हैं कि धीरे धीरे कटड़ी को भी तैयार कर दें लेकिन जो भी भाई लेगा दूध के मामले में मैं कहूँगा भैंस अच्छी केयर की तो 20 लीटर दूध इस भैंस के लिए कोई बड़ी बात नहीं जायज भाव में देंगे आज 18 है 18 के हिसाब से कोई भाई खरीदेगा उसको देंगे 20 हो जाएगा 20 के हिसाब से देंगे बाकी काफी अच्छे दूध की भैंस है जी मोस्टली भैंसें गब्बण दे रहे हैं अभी आपके सामने माप के दिखा दिया जाएगा जो भी दूध होगा और संपर्क सूत्र भी दिया जाएगा कोई भी किसान साथी लेना चाहता है वो संपर्क कर सकता है एक किलो का जो माप है आपके सामने है और अभी दूध की मपाई स्टार्ट हो गई है साथ में काउंटिंग आप करते रहें एक लीटर दूध हो चुका है और ये दो लीटर दूध लगभग आप पशुपालक कहीं से भी पशु लें मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि पंद्रह किलो दूध कम से कम पशुधन में होना चाहिए ताकि आप अदर स्टेट लेके जा रहे हैं तो पशु है आगे दूध से बढ़े और बात करें अच्छा जो मुनाफा करे अच्छे दूध की भैंस की जो है कटड़ी भी तैयार करें उसमें भी बेनिफिट है लेकिन पशुपालक लगभग जो गबन भैंसों की वीडियो देख के थोड़े उत्साहित होकर तो पशुधन खरीद लेते हैं वो काम हमारा प्रयास है कि हम ना करें और पशुपालकों को तैयार दूध का पशु अपने फार्म से दें ताकि उनकी पेमेंट है वो कवर हो प्रयास फिर से यही बारंबार वीडियो के जरिए कोई भी भाई आके देखना चाहे देख सकता है अपनी संतुष्टि कर सकता है दूध बच्चे कटड़ी को भी छोड़ दिया गया है और ये देख सकते हैं साढ़े आठ से ऊपर दूध वीडियो अच्छी लगे तो शेयर साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें सभी भाई जुड़े सभी का धन्यवाद सभी को मेरी तरफ से नमस्कार सत श्रीकाल राम राम सलाम